हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्मार्ट कार्ड्स एज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इट इज़ रिलेटेड टू सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन दैट अलाउज़ द जनरेशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट की पे एस विद इन द कार्ड तो एक बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है स्मार्ट कार्ड्स को यूज़ करना एक्चुअली स्मार्ट कार्ड्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बिल्कुल सिंपल एक स्मार्ट कार्ड आपका एक कोई भी क्रेडिट कार्ड या मेट्रो का कार्ड की तरह होता है एंड दैट स्मार्ट कार्ड कंटेन्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे कि जो सर्टिफिकेट है आपका जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि सर्टिफिकेट बेस ऑथेंटिकेशन में सर्टिफिकेट अथॉरिटी कुछ सर्टिफिकेट्स इशू करती है तो वो जो सर्टिफिकेट है दैट सर्टिफिकेट कैन बी इनसाइड दिस स्मार्ट कार्ड तो जो सर्टिफिकेट है कंप्लीट आपका वो एक स्मार्ट कार्ड के अंदर है और उस सर्टिफिकेट में आपकी पब्लिक की भी है और प्राइवेट की भी है सो दैट मीन्स इफ अ यूज़र गोज टू एनी लोकेशन वेयर द मैकेनिज्म ऑफ स्मार्ट कार्ड्स ऑथेंटिकेशन इज यूज देन द यूज़र कैन सिंपली टच द स्मार्ट कार्ड ऑन द स्मार्ट कार्ड रीडर एंड द ऑथेंटिकेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली अब देखिए वो होती कैसे है सपोज एक यूजर है यूजर वन और यूजर वन एक स्मार्ट कार्ड रीडर के पास गया दिस इज द स्मार्ट कार्ड रीडर और ये जो स्मार्ट कार्ड रीडर है दैट इज एक्चुअली आ टू वे कम्युनिकेशन विद द सर्वर कलियर सो यूजर वन ने अपना स्मार्ट कार्ड इस स्मार्ट कार्ड रीडर के पास रखा यहाँ पे कुछ इस तरह से सो so, स्मार्ट कार्ड को स्मार्ट कार्ड रीडर के पास रखा अब उसके बाद क्या होता है कि स्मार्ट कार्ड से यूज़र आईडी जो है वो सर्वर के पास जाता है स्मार्ट कार्ड रीडर यूज़र आईडी रीड करता है और उसे सर्वर के पास भेजता है सपोज यूज़र वन देन द स्मार्ट कार्ड रीडर अ रेंडम चैलेंज इनसाइड दिस स्मार्ट कार्ड और इस स्मार्ट कार्ड के अंदर उस रैंडम चैलेंज को सर्टिफिकेट की प्राइवेट की से इंक्रिप्ट करके वापस भेजा जाता है जहाँ पे सर्वर उस रैंडम चैलेंज को डिक्रिप्ट करता है किससे पब्लिक की से और दोनों रैंडम चैलेंजेस को मैच करता है बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन का था बस डिफरेंस क्या है कि जो यूज़र का सर्टिफिकेट है पब्लिक की प्राइवेट की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो एक स्मार्ट कार्ड के अंदर है जिससे वो सिर्फ टच करके एक्सेस कर रहा है सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग स्मार्ट कार्ड्स बट देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द स्मार्ट कार्ड्स वन इज़ स्मार्ट कार्ड रीडर्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर सो इफ अगर आप अपने डेस्कटॉप से कोई वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर स्मार्ट कार्ड रीडर का यूज़ अभी तक नहीं हो पाया है सो स्मार्ट कार्ड रीडर्स आर नाट आ पार्ट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ना वेन आई एम सेंग दैट स्मार्ट कार्ड रीडर्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ डेस्क टॉप दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल यूजर्स सेकेंड द कास्ट अब कॉस्ट कैसे इंक्रीज हो गई क्योंकि आपको एक एडिड हार्डवेयर परचेज करना पड़ रहा है एक तो स्मार्ट कार्ड परचेज करना है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कुछ मेमरी होगी ताकि वो इन इन्फॉर्मेशन in को स्टोर कर सके इसके अंदर एक पूरा इंक्रिप्शन का एल्गोरिदम आपका चलता है जो रैंडम चैलेंज को इंक्रिप्ट करता है एंड देन द कॉस्टिंग ऑफ दिस स्मार्ट कार्ड रीडर सो द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस स्मार्ट कार्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इज हाई सो दीज आर द टू मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्मार्ट कार्ड्स और आई विल नॉट से दैट डिसएडवांटेजेस और द शॉर्टकमिंग्स ऑफ यूजिंग स्मार्ट कार्ड्स एज द ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म So this is about uh, authentication mechanism of a user using smart cards. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials on security and other computer science related subjects. Thank you.